हेलो नमस्कार दोस्तों दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं 2 सितंबर की करंट अफेयर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम डेली बेसिस पर यहाँ पर करंट अफेयर अपने अपलोड करते हैं। दोस्तों डेली बेसिस पर आपको सुबह मॉर्निंग में करंट अफेयर की वीडियो मिलती है। तो दोस्तों आपको डेली की डेली यहाँ पर करंट अफेयर की वीडियो जो मिलती है दोस्तों, इससे जो आप है अपनी किसी भी एग्जाम में आने वाले दोस्तों करंट अफेयर के क्वेश्चंस को अच्छा बना सकते हैं। दोस्तों आप अपनी करंट अफेयर को अच्छा बना सकते हैं, लेकिन दोस्तों उसके लिए आपको सिर्फ करना इतना हुआ होगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही में उस जो घंटी का बटन आता है दोस्तों उस पर क्लिक जरूर कर लें, ताकि जब भी हम कोई नई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड दोस्तों करंट अफेयर के डेली की डेली हम 10 क्वेश्चन यहाँ पर इस वीडियो में दोस्तों लेकर आते हैं। 10 क्वेश्चन एवरी डे हम आपको यहाँ पर एक वीडियो बना करके बताते हैं। दोस्तों 7 से 8 मिनट की वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो दोस्तों आपकी जो है करंट अफेयर एक अच्छी खासी करंट अफेयर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि हमारी 2 सितंबर की जो करंट अफेयर है दोस्तों, 2 सितंबर के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो कौन कौन से क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज के दिन का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहला हमारा यहाँ पर आता है, एक नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सेवानिवृत्त IAS अधिकारी PK सिन्हा को किसने PMO में विशेष अधिकारी नियुक्त किया है। तो दोस्तों ऑप्शन ए आता है हमारा नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है रामनाथ कोविंद, ऑप्शन सी हमारा है प्रकाश जावड़ेकर और ऑप्शन डी हमारा आता है रामविलास पासवान। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, हमारा राइट आंसर होगा नरेंद्र मोदी है जो कि इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा आता है भारत के विभिन्न राज्यों में वन और वृक्षों का आवरण बढ़ावा देने के लिए किसने 47,436 करोड़ की राशि जारी की है। दोस्तों राज्यों में वन और वृक्षों का आवरण बढ़ावा देने के लिए किसने 47,436 करोड़ की राशि जारी की है। तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन ए आता है हमारा दिल्ली हाईकोर्ट, ऑप्शन बी है हमारा सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन सी है हमारा पर्यावरण मंत्रालय और ऑप्शन डी हमारा आता है केंद्र सरकार। तो दोस्तों पर्यावरण मंत्रालय है जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा आता है भारत के किस शहर में देश का सबसे ऊंचा स्काई साइकिलिंग ट्रैक बनाया गया है। तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन ए आता है हमारा शिमला, ऑप्शन बी है हमारा मंसूरी और ऑप्शन सी हमारा है दार्जिलिंग, ऑप्शन डी हमारा है मनाली। तो दोस्तों इसके लिए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों मनाली है जो कि इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी हमारा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड दोस्तों अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कौन सा देश नवंबर 2019 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा आता है, कौन सा देश नवंबर 2019 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। तो दोस्तों ऑप्शन ए आता है हमारा जापान, ऑप्शन बी है हमारा अमेरिका, ऑप्शन सी हमारा भारत एंड ऑप्शन डी है हमारा रूस। तो दोस्तों हमारा इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा भारत है जो कि 2019 में नवंबर में अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन की मेज़बानी करेगा, तो ऑप्शन सी हमारा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है, पहले AIPS एशियाई पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ एशियाई एथलीट पुरुष खिताब के विजेता कौन है। दोस्तों पहले AIPS एशियाई पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ एशियाई एथलीट पुरुष खिताब का विजेता कौन है। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन ए हमारा आता है की सोंग योंग, ऑप्शन बी हमारा आता है सोन हेयोंग एंड ऑप्शन सी हमारा आता है मोहम्मद सलाह एंड ऑप्शन डी हमारा है हैरी केन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सोन हेयोंग हमारा बी ऑप्शन है जो कि हमारा इसका राइट आंसर होगा। अब देख लेते हैं दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा आता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है, किस राज्य की कड़ांगू साड़ी और ताले को GI टैग प्रदान किया गया है। तो दोस्तों इसे किस राज्य के लिए दोस्तों कड़ांगू साड़ी और ताले को GI टैग प्रदान किया है। तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन ए हमारा आता है गुजरात, ऑप्शन बी हमारा है पंजाब, ऑप्शन सी हमारा है असम एंड ऑप्शन डी हमारा तमिलनाडु। तो दोस्तों इसके लिए जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा तमिलनाडु ऑप्शन डी हमारा जो है इसका राइट आंसर होगा। एंड दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ऑप्शन ए हमारा आता है पीटर बेकर एंड ऑप्शन बी हमारा आता है प्रकाश जावड़ेकर एंड ऑप्शन सी हमारा आता है शालिनी गुप्ता, ऑप्शन डी हमारा है नाजिन पेट्सबर्ग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पीटर बेकर, तो ऑप्शन ए हमारा है जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड दोस्तों अगला क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा आता है, किसने UEFA में प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता। दोस्तों किसने UEFA के प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। तो दोस्तों ऑप्शन ए हमारा आता है काका, ऑप्शन बी हमारा है विर्गिल वेंडिज
वेंदिंग्स एंड ऑप्शन सी हमारा है मैसी एंड ऑप्शन डी हमारा था रोनाल्डो। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विर्गिल वेंदिज, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन बी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, किस देश ने सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी को विकसित किया है। तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन ए हमारा आता है ईरान, ऑप्शन बी हमारा है इराक एंड ऑप्शन सी हमारा आता है अफगानिस्तान एंड ऑप्शन डी हमारा आता है पाकिस्तान। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पाकिस्तान, पाकिस्तान है जो कि इसका राइट आंसर है, जिसने हाल ही में दोस्तों सतह से सतह पर मार करने वाली गजनवी मिसाइल का जो है परीक्षण किया है। एंड अब दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आता है, किस मोबाइल ऐप ने अमेरिका में टेक पुरस्कार जीता। तो दोस्तों किस मोबाइल ऐप ने अमेरिका में टेक पुरस्कार जीता है, तो ऑप्शन ए हमारा आता है पबजी, ऑप्शन बी हमारा आता है भीम ऐप, ऑप्शन सी हमारा आता है मैत्री एंड ऑप्शन डी हमारा आता है शिक्षा। तो दोस्तों मैत्री नामक जो एप्लीकेशन है इसने जो है हाल ही में अमेरिका में टेक पुरस्कार जो है जीता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, आज की हमारी जो 2 सितंबर की जो करंट अफेयर थी उसके 10 क्वेश्चन हमने आपको बता दिए हैं। एंड दोस्तों डेली बेसिस पर आपको करंट अफेयर अवेलेबल करवाई जाती है, मतलब कि दोस्तों हर महीने आपको लगभग 300 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर के दे दिए जाते हैं। तो दोस्तों 300 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के दिए जाते हैं हर महीने। तो इसके लिए दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एंड दोस्तों पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा पीडीएफ का, वहां से जाकर के आप जो कि पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद दोस्तों।